दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो अभी के भी वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक्स का है, तो अभी के अभी लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2021 के पांचवें और बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से मात दी। दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 221 रन बना दिए। दोस्तों, इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 60 विकेट के नुकसान पर मात्र 217 रन ही बना सकी। दोस्तों, बतौर कप्तान सैमसन ने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ा, ऐसा करने वाले वे आईपीएल के पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। हालांकि सैमसन का शतक बेकार गया क्योंकि आखिरी ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 13 रनों की ज़रूरत थी। आगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरा ओवर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से किसको बेहतर बल्लेबाज मानते हैं अभी के अभी नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पंजाब की ओर से अर्शदीप सिंह ने 20वें ओवर में बॉलिंग की। पहले 3 गेंद पर सिर्फ 2 रन आए, इसके बाद 4थी गेंद पर सैमसन ने छक्का जड़ा, फिर 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं बना। अंतिम बॉल पर राजस्थान को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, सैमसन ने शॉट तो लगाया दोस्तों, मगर वो शॉट बाउंड्री लाइन पर खड़े दीपक हुड्डा के हाथों में गया और सैमसन 63 रन पर 119 रन बनाकर आउट हुए और सैमसन 63 गेंदों पर 119 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि दोस्तों, इसी दौरान पंजाब टीम ने 3 कैच छोड़े जिसके चलते सैमसन को 2 जीवनदान भी मिले। जी हाँ, राजस्थान की पारी के दौरान दूसरे ओवर में जे रिचर्डसन बॉलिंग कर रहे थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर बोहरा ने ऊंचा शॉट लगाया, थर्ड मैन पर खड़े मुरुगन अश्विन ने उनका आसान सा कैच छोड़ दिया। इस वक्त 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे संजू सैमसन। दोस्तों, चौथे ओवर की 4थी बॉल पर सैमसन को जीवनदान मिला, विकेट के पीछे राहुल ने एक कैच छोड़ा। ओवर अर्शदीप का था, इस समय सैमसन 12 रन बनाकर खेल रहे थे। फिर दोस्तों, 9वें ओवर में संजू सैमसन ने एक शॉट लगाया, शाहरुख खान और मयंक अग्रवाल बॉल को जज नहीं कर पाए, गेंद दोनों के बीच में गिर गई। इस तरह पंजाब टीम ने मैच में 3रा कैच भी ड्रॉप किया। इस वक्त संजू सैमसन 35 रनों पर बैटिंग कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी संजू सैमसन को भरपूर मिला। आपको बता दें, 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने वाली राजस्थान रॉयल्स के लिए बेन स्टोक्स और मनन मोरा ओपनिंग के लिए उतरे। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मोहम्मद शमी ने राजस्थान रॉयल्स को 0 पर पहला झटका दिया, स्टोक्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए, शमी ने अपनी पहली ही बॉल पर उनका कैच लिया। दोस्तों, इसके बाद 25 के स्कोर पर टीम का 2रा विकेट गिरा, तेज गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी ही बॉल पर मनन वोहरा का कैच लपका। दोस्तों, वोहरा 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। जोस बटलर ने सैमसन के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की, उन्होंने 5वें ओवर में राइडली मैरिथिड की बॉल पर लगातार 4 चौके लगाए, 13 बॉल पर 25 रन बनाकर आउट हो गए, उन्हें जे रिचर्डसन ने क्लीन बोल्ड किया। बटलर और सैमसन के बीच 3रे विकेट के लिए 26 बॉल पर 45 रनों की पार्टनरशिप हुई। 70 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद शिवम दुबे ने सैमसन के साथ 4थे विकेट के लिए 33 गेंदों पर 53 रनों की पार्टनरशिप कर दी। दोस्तों, दुबे ने 15 बॉल पर 23 रन बनाकर एक भरपूर सहयोग दिया, उन्हें अर्शदीप ने दीपक हुड्डा के हाथों कैच कराया। दोस्तों, दुबे के आउट होने पर बल्लेबाजी करने आए रियान पराग, उन्होंने आते ही चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए, उन्होंने 11 बॉलों पर 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। दोस्तों, पराग ने सैमसन के साथ 5वें विकेट के लिए 23 बॉल पर 52 रनों की पार्टनरशिप की। दोस्तों, पराग के आउट होने के बाद राहुल तेवतिया क्रीज पर आए। पिछले सीजन में तेवतिया ने पंजाब के खिलाफ ही 1 ओवर में 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। ऐसी उम्मीद थी कि इस मैच में भी वो कुछ ऐसा ही करेंगे, पर वो कुछ ना कर सके और 2 रन बनाकर ही आउट हो गए। फिर दोस्तों, आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 40 रनों की ज़रूरत थी और क्रीज पर थे सैमसन और क्रिस मॉरिस, पर दोस्तों राजस्थान की टीम 35 रन ही बना सकी। सैमसन आखिरी गेंद पर आउट हो गए, उन्होंने 63 रन पर 119 रन की बेहतरीन और ताबड़तोड़ पारी खेली। पंजाब की ओर से अर्शदीप ने 3, शमी ने 2, रिचर्डसन और मैरिथिड ने 1-1 विकेट लिया। ऐसे में दोस्तों, आपको इस मैच में संजू सैमसन की पारी कैसी लगी? आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? भाई, मैं तो 10 में से 10 देना चाहूँगा। आप अपना कमेंट ज़रूर बताइए अपनी राय। दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अभी के अभी सैमसन के लिए 1 लाइक और अर्शदीप सिंह के लिए 1 लाइक और KL राहुल के लिए भी 1 लाइक ज़रूर कर दी।